आज के वीडियो में बात करेंगे भारत का मुक्त व्यापार समझौता, जो वर्तमान संदर्भ में जो वैश्विक आर्थिक परिस्थितियां उसके आधार पर भारत का जो मुक्त व्यापार समझौता है उससे भारत क्या क्या लाभ उठा सकता है वाणिज्यिक और व्यापारिक, इसके बारे में बात करेंगे। अगर मुक्त व्यापार समझौते की बात की जाए तो मुक्त व्यापार समझौता उस समझौते को कहते हैं जिसमें कोई दो देश अपने जो व्यापारिक नियम है उनको ढीला कर देते हैं, या इसके अलावा जो व्यापार करने वाली वस्तुएं होती हैं आयात निर्यात से संबंधित जो वस्तुएं होती हैं उन पर टैक्स घटा देते हैं या कम कर देते हैं या बिल्कुल समाप्त कर देते हैं, जिससे दोनों देशों को व्यापारिक आर्थिक और वाणिज्यिक लाभ होता है। साथ ही साथ संबंधित देशों की औद्योगिक व्यापारिक और वाणिज्यिक और सेवा संबंधी जो कंपनियां होती हैं उनको लाभ होता है, और जो उपभोक्ता होता है उसे सस्ते दाम में अच्छी वस्तुएं और सेवाएं उपलब्ध हो जाती हैं। अगर वर्तमान में बात की जाए तो वर्तमान में जो वैश्विक परिस्थितियां हैं कि जैसे वैश्विक आर्थिक मंदी समय चल रही है और इजराइल फिलिस्तीन युद्ध चल रहा है, इसके अलावा रूस यूक्रेन का युद्ध चल रहा है जिससे आर्थिक वैश्विक आर्थिक उथल पुथल मची हुई है, जिससे भारत लाभ उठा सकता है और भारत इसके लिए प्रयासरत भी है और इसको एक सुनहरे अवसर के रूप में देख रहा है। अगर वर्तमान की बात की जाए तो इस समय जो भारत और चार यूरोपीय देशों का जो समूह है जिसे EFTA अर्थात यूरो फ्री ट्रेड एसोसिएशन के नाम से जाना जाता है, उसके संबंध में निवेश और वस्तु और सेवाओं के जो दो तरफा व्यापार है इन देशों के समूह के साथ में, उसको बढ़ावा देने के लिए यह समझौता अगर किया जाए, जैसे मुक्त व्यापार समझौता किया जा रहा है, उससे भारत को बहुत अधिक लाभ है। साथ ही साथ जो चार देशों का समूह है उनको भी अधिक लाभ है और इसे व्यापार और आर्थिक समझौता भी कहा गया। और इस व्यापार और आर्थिक समझौते के तहत पेरू, ओमान, ब्रिटेन और यूरोपीय यूनियन के कई देश इस समझौते में सम्मिलित हैं भारत के साथ में, और भारत अन्य देशों के साथ भी इस समझौते को बढ़ावा देने के लिए, मजबूत करने के लिए बातचीत को आगे बढ़ा रहा है। अगर इस समझौते के लागू होने की बात की जाए तो भारत ने इस समझौते के द्वारा या संधियों के द्वारा 10 से 30 प्रमुख विषय या मदों को शामिल किया है या व्यापारिक वस्तुओं को शामिल किया है। इसके अलावा पूरी दुनिया में 350 से अधिक FTA या मुक्त व्यापार समझौते विभिन्न देशों के बीच लागू हुए या उनका पालन हो रहा है। अगर भारत और EFTA देश अर्थात यूरो फ्री ट्रेड एसोसिएशन के देश व्यापार और निवेश के समझौते पर बात की जाए तो 15 वर्ष से अधिक से भारत बातचीत कर रहा है समझौते को लागू करने के लिए, और 17 दौर की बातचीत होने के बाद 2018 में FTA समझौते पर सहमत बनी इन देशों के साथ में, साथ ही साथ अन्य देशों के साथ में भारत की। अगर इस समझौते की अन्य पहलुओं की बात की जाए तो यह समझौता मुख्य रूप से एक मुक्त, निष्पक्ष और समानता वाले व्यापार को बढ़ावा देता है, और भारत ऐसे व्यापार को लागू करने के लिए, ऐसे व्यापार में वृद्धि करने के लिए प्रतिबद्ध भी है, और भारत ने ऐसे समझौतों पर अपनी प्रतिबद्धता आगे बढ़कर जताई है। अगर इसमें समझौते को अगर आगे देखा जाए तो भारत और जो अन्य देशों के साथ जो FTA समझौता है उसमें अन्य देश और भारत एक दूसरे के पूरक बन गए हैं व्यापारिक लाभों के संदर्भ में, और जो EFTA देश है वो यूरोपीय संघ का हिस्सा नहीं है, इसलिए मुक्त व्यापार को बढ़ावा देने के लिए जो EFTA देश है एक अंतर सरकारी संगठन इसे बताया जाता है, और जिसकी स्थापना जो यूरोपीय यूनियन में देश सम्मिलित नहीं है उनके विकल्प के रूप में EFTA की स्थापना की गई है। और इसके अलावा जो अगले 15 वर्ष है इसमें भारत ने समझौते के संदर्भ में जो प्रतिबद्धता जाहिर की है या संकल्प जाहिर किया है, तो उसमें भारत ने ये लक्ष्य रखा है कि 100 अरब डॉलर का निवेश इस समझौते के द्वारा भारत में हो सके। इसके अलावा इस समझौते में अन्य विकसित देश भी शामिल हो सके। इसके अलावा जो विकसित देश वर्तमान में शामिल है, जो आइसलैंड है, स्विट्जरलैंड है, नॉर्वे है और लिचेस्टीन जैसे पश्चिमी यूरोपीय देश या दक्षिणी यूरोपीय देश इसमें सम्मिलित है। और समझौते में वस्तुओं के व्यापार और उत्पत्ति के नियम, शोध और नवाचार को बढ़ावा देने की बात कही गई, बौद्धिक संपदा अधिकार अर्थात IPR इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स
के संरक्षण की बात की गई है और सेवाओं के व्यापार की बात की गई है, निवेश में प्रोत्साहन और निवेश में सहयोग की बात की गई है। इसके अलावा जो सरकारी खरीद और व्यापार में तकनीकी जो बाधाएं होती हैं उनको दूर करने की बात इस समझौते में कही गई है और उसका पालन भी किया जा रहा है। इसके अलावा अगर भारत को लाभ की बात की जाए तो इसमें लगभग 10 लाख प्रत्यक्ष नौकरियों की उत्पत्ति की बात की गई है, अर्थात 10 लाख प्रत्यक्ष नौकरियां इस समझौते के द्वारा भारत में उत्पन्न होगी या लोगों को रोजगार मिलेगा। और इसके अलावा भारत में जो डिजिटल व्यवस्था है, डिजिटल लेन देन है, वो एक अच्छा विकसित रूप में माना गया है या आगे प्रगति की ओर अग्रसर है। तो भारत जो डिजिटल व्यापार है और बैंकिंग की जो वित्तीय सेवाएं वो डिजिटलाइज हो गई हैं, इसलिए इस भारत को इस समझौते के द्वारा बहुत अधिक लाभ मिलने की उम्मीद है। इसके अलावा फार्मा और टेक्सटाइल जैसे क्षेत्र हैं, इनमें जो आइसलैंड, इसके अलावा स्विट्जरलैंड, नॉर्वे और लिचेस्टिन देश है, इनके बाजार में पहुंच होगी, क्योंकि जो टेक्सटाइल और जो फार्मा कंपनियां हैं उसका एक बहुत बड़ा बाजार भारत में है विकसित देशों के संदर्भ में और विकासशील देशों के संदर्भ में, क्योंकि भारत जो एलोपैथिक दवाओं के बनाने के मामले में शुरुआत के जो 5 देश है उनमें एक उच्च स्थान रखता है। इसके अलावा इस समझौते के तहत कुछ जो बाउंडेशन भी रखी गई हैं, जैसे एग्रीकल्चर और डेयरी और सोयाबीन और जो कोयला क्षेत्र को इस समझौते से दूर रखा गया है। इसके अलावा जो समझौते के तहत जो हरित ऊर्जा और विंड एनर्जी है या फूड प्रोसेसिंग और केमिकल क्षेत्र है और उच्च गुणवत्ता वाले जो मशीनरी क्षेत्र है, इस समझौते के तहत इन क्षेत्रों को शामिल किया गया है, क्योंकि भारत ने 2030 के बाद जो नवीकरणीय ऊर्जा पर निर्भरता है वो काफी अधिक बढ़ाने की बात कही गई, इसलिए हरित और विंड एनर्जी के क्षेत्र में जो निवेश होगा भारत के लिए लाभदायक होगा। इसके अलावा फूड प्रोसेसिंग का बिजनेस है, भारत में उभरता हुआ बिजनेस है, क्योंकि भारत में जितना कच्चा माल कृषि संबंधित खाद्य पदार्थ पैदा होते हैं उसके मुश्किल से 2-3% ही उसका फूड प्रोसेस किया जाता है, जबकि इसमें बहुत अधिक संभावना है। इसलिए अगर फूड प्रोसेसिंग के क्षेत्र में बहुत अधिक अगर निवेश बाहर से आए इस समझौते तहत तो भारत का जो आर्थिक विकास है बहुत अधिक हो सकता है। इसके अलावा जो केमिकल क्षेत्र है उसमें भी बहुत अधिक संभावनाएं हैं और उच्च गुणवत्ता वाली जो तकनीकी मशीनें हैं उसका आयात होगा और उन तकनीकों को का भारत में निवेश भी होगा इस समझौते तहत। इसके अलावा जो बाहरी कंपनियां हैं इस समझौते के तहत उद्योग लगाएंगे, उनमें निवेश करेंगे, जिससे वो मशीनरी भारत में पैदा होगी और भारत का आयात जो उच्च गुणवत्ता वाली मशीनरी है उस पर कम होगा, भारत एक निर्यात करने की स्थिति में आ जाएगा। इसके अलावा जो EFTA के देश है और अन्य यूरोपीय देश है उनमें भारत के जो निर्यातक है उनकी पहुंच आसान होगी समझौते के तहत, क्योंकि जो टैरिफ है वो कम हो जाएंगे, टैक्स कम हो जाएंगे, आयात निर्यात शुल्क घट जाएंगे दोनों तरफ से। इसके अलावा जो भारतीय कंपनियां हैं जो अपनी आपूर्ति श्रृंखला है अर्थात जो चेन सप्लाई है उसको अधिक सशक्त बना सकेंगी, क्योंकि भारत में जो चेन सप्लाई है वो एक अच्छी चेन सप्लाई मानी जाती है विश्व में। इसके अलावा जो चेन सप्लाई है भारत में अगर अंतर्राष्ट्रीय व्यापारिक संदर्भ में अगर इसको देखा जाए तो एक चेन सप्लाई या आपूर्ति श्रृंखला के रूप में भारत एक प्रमुख खिलाड़ी के रूप में उभरा है। इसके अलावा जो जो ग्लोबल इकोनॉमी है उसके अंतर्गत जो घटती विकास दर है उस पर भारत का कोई भी असर नहीं पड़ा है, अर्थात भारत की जो आर्थिक विकास दर है एक सही तरीके से विकसित हो रही है, बढ़ रही है, और इसलिए भारत के सामने चुनौतियां कम है, जबकि जो ग्लोबल इकोनॉमी है उसके आगे चुनौतियां काफी अधिक है और भारत के पास एक अच्छा अवसर भी है। इसके अलावा मुक्त व्यापार समझौते के अंतर्गत जो आगामी वर्षों में निवेश होगा, निर्यात बढ़ेगा, रोजगार बढ़ेगा, विकास दर तेज होगी, इसके अलावा सर्वाधिक जो वृद्धि है, आर्थिक वृद्धि है, वो भारत हासिल कर सकेगा। इसके अलावा जो वर्तमान में जो घरेलू इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें सुधार की आवश्यकता है, अगर FTA को सही तरीके से लागू किया जाए, उससे लाभ उठाने की बात कही जाए तो अब विनिर्माण जो आर्थिक श्रृंखला है और इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश है, बुनियादी ढांचे में निवेश है, हरित ऊर्जा पर निर्भरता काफी अधिक बढ़ाई जाए, इसके अलावा जो रिसाइकलिंग है उद्योग है उसको बढ़ावा दिया जाए तो भारत FTA से बहुत अधिक लाभ उठा सकता है। इसके अलावा जो उम्मीद की जाती है कि EFTA के साथ जो समझौता किया जाएगा, FTA समझौता किया जाएगा, उससे वैश्विक व्यापार बढ़ाने में
भारत को बहुत अधिक लाभ मिलेगा और भारत का विदेशी मुद्रा भंडार बढ़ेगा और भारत का जो निर्यात क्षेत्र है उसका प्रतिशत बढ़ेगा और आयात पर निर्भरता घटेगी। तो ये तो भारत का जो मुक्त व्यापार समझौता है उसका जो विश्लेषण है वर्तमान संदर्भ में।